पे भाई दिला गाड़ी तुमको भाई बहुत अच्छी लगी। जो नया मॉल खुला हुआ है तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल की तरफ जो है लुलु मॉल। हम आज ट्राई करने वाले हैं ब्लैक वाटर और देखते हैं ये कैसा है पीने में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो अभी हम लोग हैं कार के अंदर। आज की हमारी मॉर्निंग बहुत अच्छी रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है। सो आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ी बुक कराने के लिए। तो पहले तो हम लोग जाएंगे BMW के शोरूम में और साथ ही साथ महिंद्रा और टोयोटा के भी शोरूम में जाएंगे और देखेंगे कौन सी कार हमें पसंद आती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बुकिंग करने के लिए, अगर उससे पहले में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग बस लखनऊ के लिए निकले हैं जस्ट, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 और हमारे साथ में है देव और बच्चे, पीछे रमेश, आगे सर बैठे हुए। बहुत टेस्टी मैगी, अच्छी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है और मिर्च के पकौड़े बहुत ज्यादा तीखे बने हैं। ओके ओके, सम्राट मैगी अच्छी है, बहुत ज्यादा मजा आ गया, मजा आ गया। चलो यू ऑमलेट कैसा था? यू के आसपास का है लेकिन ये सब वही 5 सीटर है और कंफर्ट देखो तो सिर्फ 4 सीटर। भाई यहाँ पे BMW देखने आए थे, यहाँ पे बात कर रहे हैं ये लोग। भाई ये गाड़ी ये 2 सीरीज़ है और वो 3 सीरीज़ है, बाकी यहाँ पे और गाड़ी बाकी एक गाड़ी जो ये गाड़ी है ना भाई, इस पर भाई दिल आ गया भाई। तो अभी हम हैं BMW के शोरूम पे और हम यहाँ पर देख रहे हैं X3 सीरीज़ की गाड़ियाँ जो कि हमें बहुत ही अच्छी लगी। बट इशू ये था कि हमें 5 सीटर नहीं चाहिए, हमें 7 सीटर चाहिए और 7 सीटर जो है वो हमारे बजट से बहुत प्रीमियम था तो इस वजह से हमने इसको कैंसिल कर दी। ये जो 7 सीरीज़ गाड़ी है ना, ये माई गॉड इतनी ब्यूटीफुल कार थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ जीप के शोरूम में, आस ही पास है, बस 5 मिनट डिस्टेंस में है। सो ये है जीप की मेरिडियन जो कि बहुत अच्छी गाड़ी लगी हमें और तो प्रीमियम भी है बट 7 सीटर है तो ये हमें हमारे फैमिली के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी लगी। जीजो को थोड़ा सा समझ भी नहीं आ रहा, थोड़ा उनका मन हट रहा है लेकिन पहले ही भाई बच्चों की पहली पसंद सनरूफ। कैसा लग रहा है विराज? सही लग सभी। हम लोग कार देखकर बाहर आ चुके हैं और कार हमने करीब 3 शोरूम देखा, हमने जीप के शोरूम देखे, हमने BMW के शोरूम देखे, तो 2 शोरूम देखा एक्चुअली। तो BMW तो आपको पता है BMW है बट अगर मुझे उसके बाद में कोई गाड़ी अच्छी लगी जो कि तो वो है जीप की मेरिडियन। सो हमें वो बहुत अच्छी लगी जो है 6 सीटर 6-7 सीटर है और उसके फीचर्स भी बहुत अच्छे लगे हमें। तो कुछ कुछ उसका लुक रेंज ओवर टाइप का मुझे लगा तो आगे से बहुत हैवी लुक का लगा जैसा मुझे चाहिए था। बट SUV बट अगर वही चीज़ हम BMW में जाते हैं SUV देखने के लिए तो वो बहुत ही प्रीमियम था। इस जो भी हमारा ये बजट है ये जीप का है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल की तरफ जो है लुलु मॉल और इंडिया का सबसे बिगेस्ट मॉल है तो मैं उसको आपको दिखाऊंगी वहाँ पे पहुँच करके कि लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा मॉल है, फूड वैरायटी बहुत अच्छी है, आप उसको मतलब फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हो बाकी सारे मॉल्स के अकॉर्डिंग। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, तो रास्ते में पहले मैं अपनी सिस्टर को पिकअप करूँगी जो कि यहाँ रहती है लखनऊ में ही और फिर हम उसके साथ ही मॉल के लिए जाएंगे। सम्राट सो रहा है, राघव सो रहा है, सम्राट को एक्चुअली बहुत ज़्यादा वॉमिट हो गया तो वो सो रहा है और ये भी बैठा हुआ है, ये भी थोड़ा अपसेट है क्योंकि इसका प्लान था XUV700 लेने का बट
इतनी ज़्यादा वेटिंग है उसमें कि अगर हम गाड़ी आज बुक करा रहे हैं तो वो हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगी, तो इतना वेटिंग इतना पैसा देने के बाद करना फिजूल है। सो हमें पसंद नहीं आया, इसलिए उसका मूड अपसेट है। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं लुलु मॉल, आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे सामने ही है। और क्राउड देखकर फ्रेंड्स कुछ भी कहने बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाइए कि अभी कुछ ही महीने हुए हैं इसको बने हुए और यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं इस मॉल को। और इनका पार्किंग एरिया भी बहुत बड़ा बना हुआ है, मतलब आप कितने भी लोग हो, कितनी भी गाड़ियाँ हों, सब कुछ बहुत अच्छे से पार्क हो जाती हैं। देन हम लोग गए मॉल के अंदर और ये है इसका ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पर ट्रीज से बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया है और थोड़ी दूर चलने के बाद में ये आता है सामने हाइपर मार्केट जहाँ पर हम गए थे। और आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं फूड कोर्ट और आज संडे होने की वजह से इतना रश है, मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग वॉशरूम गए थे, वहाँ पे भी वेटिंग थी। लोग आए फूड कोर्ट में, बच्चों को भूख लगी है तो कुछ खिलाने के लिए। सॉरी थोड़ा सा नॉइज बहुत ज़्यादा। ये मेरी सिस्टर है जो मुझसे थर्ड नंबर पे है, तो ये यहीं रहती है, लखनऊ में ही रहती है। और ये आई हम लोगों को घुमाने के लिए लुलु मॉल। बच्चों को भूख लगी है इसलिए हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, बच्चों को कुछ कुछ खिलाने के लिए। और ये राघव है। बच्चों को जो खाना था उन्होंने खा लिया और अब हम आ गए हैं गेमिंग जोन में। यहाँ पर बड़ों के लिए बहुत सारे गेम्स हैं, पूल्स हैं, बहुत सारे गेम्स हैं। और यहाँ पर आए हम लोगों ने थोड़ा बहुत गेम खेला, देन उसके बाद में हम लोग बच्चों को गेम खिलाने ले गए जो कि था फंट्यूरा। यहाँ बच्चों के लिए भी गेम था। फ्रेंड्स देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है। क्राउड के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी मॉल में इतना ज़्यादा क्राउड देखा है। और ये सारे शॉप्स हैं जो कि इनके हैं, सारे ब्रांड्स, आई थिंक जितने भी ब्रांड्स अपने इंडिया में हैं चलते हैं वो सभी यहाँ पर हैं। और राघव बहुत एक्साइटेड हो रहा था इतने लोग को देखकर, वो फर्स्ट टाइम आया था इतनी भीड़ में। राघव क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सो ये था फंट्यूरा जो कि मॉल के सेकंड फ्लोर में बना हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स थे, बच्चों के लिए झूला था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में आ गई थी मैं नीचे हाइपर मार्केट में जहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, बट ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मैंने देखा यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ है जो कि हमें बाहर कंट्रीज़ में देखने को मिलती हैं, वो सारी वैराइटीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। चॉकलेट्स थे बहुत सारे तरीके, और उसके साथ साथ जो भी स्पाइसेस होते हैं हमारे किचन स्पाइसेस वो सारे भी थे। तो मुझे जो भी लेना था मैंने उसमें से कुछ चीज़ें ली सिलेक्ट करके, जो कि मैं घर पहुंच के आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर फूड कोर्ट में हैं और हम यहाँ से ले रहे हैं एवोकाडो। क्या कलर में लगा? सो मैंने यहाँ से लिए एवोकाडो, पैशन फ्रूट्स एंड ब्लूबेरी। तो ब्लूबेरी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैंने ब्लूबेरी ली। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी फ्रूट्स की, ड्राई फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। और इनफैक्ट वेजिटेबल्स में मैंने कुछ ऐसी वैरायटीज़ देखी जो इटालियन और चाइनीज़ होती हैं, जैसे आप ये कैबेज देख रहे हो, ये सारी चाइनीज़ कैबेज हैं। साथ में चेरी टोमेटोज, ब्रोकली, जो भी आप लेना चाहो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। देन हम लोग गए चीज़ की तरफ जहाँ पर चीज़ की वैराइटीज़ लगी हुई थी बहुत सारी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी वैराइटीज़ चीज़ की हैं, साथ में जैम्स की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। मैंने जैम्स और कई तरह के चीज़ लिए, पार्मेसान, गौडा, शेडर, बहुत सारी चीज़ लिए मैंने। और यहाँ से मैंने लिया मैंगो एंड पैशन फ्रूट जैम क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने वो लिया। और साथ ही साथ यहाँ पर सारी बेरीज डिप करके रखी हुई हैं, तो आप एक बार आकर विज़िट करके देखो और आप जो भी लेना चाहो वो आप यहाँ पर ले सकते हो आसानी से। ये फ्रूट्स को मैरिनेट करके रखा हुआ है कि आप तुरंत लेकर के तुरंत आप खा सकते हो, बट आप अंदर नहीं खा सकते हो, आप लेंगे पैक करके, आप ये आपको देंगे बट आप खाओगे अपनी कार में बैठकर। और यहाँ पर है बहुत सारी वैराइटीज़ की डिप,
और साथ ही साथ मैंने लिए यहाँ से ये जो पिज़्ज़ा है बने बनाए पिज़्ज़ा यहाँ पर मिलते हैं हमें, रेडी टू ईट होते हैं, बट आप इनको बस आप इनको माइक्रोवेव करिए और आप इनको खा लीजिए। और स्वीट्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी यहाँ पर, तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया लुलू मॉल। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ली जो कि मैं आपसे अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं दिखा। साथ ही साथ मैंने लिए थे नूडल्स और चिली पनीर लिया था मैंने सबके खाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में था। सारी चीज़ों के सामने प्राइस टैग लगा हुआ है। तो साथ में यहाँ थे बहुत सारे आइटम, फ्रोजन आइटम्स थे जिसमें चाइनीज, इटालियन एंड फ्रेंच आइटम भी एडेड थे। वेज और नॉन वेज दोनों अलग सेक्शन में डिवाइडेड थे, आपको जो भी लेना वो यहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। फ्रेंड्स फूड आइटम भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे और मैंने फर्स्ट टाइम ये चिकन मंडी बिरयानी करके ट्राई किया था और ये 1 kg 400 rupees का था। सो कॉस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ मैंने कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें देखी जिसको देखकर मैं शॉक्ड रह गई। और यहाँ पर मैंने बिरयानी पैक्ड करवा ली थी, दो टाइप की बिरयानी थी यहाँ पर। साथ में अगर आपको रॉ मटन चाहिए हो तो मटन के सारे पीसेस यहाँ पर अवेलेबल थे, अलग अलग पार्ट्स के पीसेस अवेलेबल थे। और साथ ही में आपको ये मैरिनेट करके देने का भी ऑप्शन रखते हैं, अगर आप चाहो तो मैरिनेट करवा कर घर पर जाकर कुक कर सकते हो। और साथ ही साथ बहुत सारे तरीके के फिश आइटम थे जिसमें था प्रॉन्स, कैप, लॉबस्टर, स्क्विड और ऑक्टोपस भी था, आई थिंक स्क्विड फिस भी थी। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। खाना नहीं खाना वो तो खैर अलग की बात है, बट इतनी सारी वैरायटीज़ लखनऊ में फर्स्ट टाइम देखने को मिली। एंड लुक एट दिस गाइस, ओ माय गॉड, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग रे। साथ ही साथ कैट फिश, पिराना फिश और शार्क भी थी। तो मुझे नहीं पता ये कौन खाता है, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा देख करके। सो दैट्स वाई लुलू मॉल इज़ द बेस्ट। सो फाइनली हम लोग शॉपिंग करके बाहर आ गए थे और बच्चे देखिए कार्ट के साथ क्या कर रहे थे, पूरे हॉल में वो लोग ऐसे कूद रहे थे, मुझे डर लग रहा था कहीं चोट ना लग जाए। ट्राई करते हैं, कट टेस्ट देखते हैं कैसा है। पानी जैसा टेस्ट है, पानी ही है। आप ट्राई करिए। तो ये है, हम आज ट्राई करने वाले हैं ब्लैक वाटर और देखते हैं ये कैसा है पीने में। आई डोंट नो व्हाई इसका नाम ब्लैक वाटर रखा है, सो इसको पी के देखते हैं फिर बताते हैं इसको। पानी ही है, पानी जैसा टेस्ट है भाई। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है भाई, मिस कर रहा हूँ भाई ये, लेकिन यार यार भाई यार इसका हाईलाइट देखना मुझे क्या करना है। घर पहुंचने के बाद मैंने बनाई सबके लिए चाय और खाना मैं सुबह बना के रख गई थी, सो मैंने उसको भी साथ में लगा दिया और साथ में पिज़्ज़ा निकाला, उसको माइक्रोवेव किया और सबको खिलाया। तो फ्रेंड्स अगर आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर खत्म, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। कॉमेंट में लिखकर मुझे बताना कि आपको आज के व्लॉग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा और लुलू मॉल आपको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।